बैक टू ट्रिसलस किचन। कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। फ्रेंड्स अभी रात का 8:30 बजे है, 8:30 तो क्रॉस हुआ लगता है, क्योंकि 8:30 को मैं जोएल को खाना देती हूँ। अभी जोएल का भी खाना खा के हो गया, मेरा तो 6:30 हो गया। मैं अभी पानी भी पी ली हूँ। तो अभी मैं आप लोग से शॉर्ट में बता देती हूँ, 2 वीक्स वेट लॉस चैलेंज का 7th डे आज। आज मैं क्या क्या मैं डाइट ली थी वो मैं आप लोग से शेयर कर लेगी। फ्रेंड्स तो सुबह आजकल मैं फैट कटर ड्रिंक नहीं पीती हूँ, आप लोग को बताया ना, सुबह पी रही हूँ ना शाम को पी रही हूँ। तो जैसे 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। फ्रेंड्स गर्म पानी पीने के बाद मैं आज ब्रेकफास्ट में ली थी ब्राउन चना, बॉईल करके उसको तड़का दी थी। तो ये हम लोग का आज का ब्रेकफास्ट है। चना को बॉईल करने के टाइम थोड़ा सा हल्दी और नमक डाली थी, उसके बाद थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मैंने तड़का दी थी। फ्रेंड्स उसमें राई, जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची और करी पत्ता का तड़का दी थी। फ्रेंड्स इसमें नो मसाला, तो वही हम तीनों खाए थे, क्योंकि मैं ऐसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच में ऐसे बनाती हूँ, हम तीनों भी साथ में खा पाए की टाइप का। तो अलग अलग किसी को ना बनाना पड़े, क्योंकि मेरे लिए अलग उन लोग के लिए अलग ना बनाना पड़े, ऐसे सोच के मैं ब्रेकफास्ट हेल्दी वाला तीनों खा पाए, ऐसे मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फ्रेंड्स तो वो हो गया। उसके बाद लंच में मैं खाई थी। फ्रेंड्स ये मेरा लंच पोर्शन कंट्रोल था लिए। आज का लंच में राइस ली हूँ, दाल है, कर्ड ली हूँ, सलाद में ककड़ी और कैरेट ली हूँ, थोड़ा सा अचार और ये चौली भाजी, हम लोग कन्नड़ में कीरे सूप बोलते हैं। फ्रेंड्स तो ये मेरा आज का लंच पोर्शन कंट्रोल था लिए। लंच के बाद मैं हाफ एन आवर का घर के अंदर ही वॉक करती हूँ। उसके बाद 4:30 बजे में, फ्रेंड्स अभी 4:30 बजे है, मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। तो बनाना सैंडविच बना के ली हूँ। फ्रेंड्स मुझे कल से क्रेविंग हो रहा था बनाना सैंडविच का, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो उसमें 1/2 टीस्पून पीनट बटर डाली हूँ, 1/2 बनाना डाली हूँ, 1/2 बनाना का जोएल को भी बना के रखी हूँ, और थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से टोस्ट करके लिया। तो यही मेरा आज का कॉफ़ी के साथ नाश्ता है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी पी लेती हूँ मैं कॉफ़ी। पी के होने के बाद 5 से 6 बजे तक मैं अच्छा खासा एक्सरसाइज की हूँ। फ्रेंड्स 1 आवर का एक्सरसाइज किया। उसके बाद 6:30 तक मैं, 6:30 थोड़ा क्रॉस हो जाते हैं आजकल, 6:40 ऐसा सोचिए तक मेरा डिनर हो गया था। मैं आज डिनर पे ज़्यादा हेवी कुछ नहीं खाई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रेड सैंडविच भी खाई थी ना, इसकी वजह से सूप ली हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा डिनर है, अभी 6:30 क्रॉस हुआ है। तो डिनर में हाँ जो मैं ले रही हूँ कैबेज सूप ले रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें कैबेज है, थोड़ा सा दोपहर का दाल बनाई थी वो भी थोड़ा सा दाल डाली हूँ, थोड़ा कैप्सिकम डाली हूँ और टोमेटो, ऑनियन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा चिकन मसाला और ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ा सा ऊपर से कोकोनट ऑयल डाल के मैं कुकर में सीटी निकाली थी फ्रेंड्स, अच्छे से बॉईल करके ली हूँ। ये मेरा आज का हेल्दी डिनर है। फर्स्ट टाइम मैं वेट लॉस जर्नी में ये सूप पी रही हूँ फ्रेंड्स। मैं कभी 25 किलो वेट लॉस जर्नी में मैं कैबेज सूप, टोमेटो सूप, नहीं तो कौन सा भी सूप नहीं पी हूँ मैं, ना मैं ओट्स का ही हूँ, ना मैं ग्रीन टी पी हूँ, कुछ ना मैं फैट कटर ड्रिंक, ना डिटॉक्स वाटर, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, ओनली गर्म पानी पीती थी मैं। और रेगुलर हम लोग का खाना खाने का घर पे क्या बनता है वही पोषण कंट्रोल में हेल्दी बना के खाती थी। ओनली रात को मैं थोड़ा जल्दी डिनर करती थी और डिनर पे रागी, बाजरा और चावल का रोटी रहता था, इतना ही था मेरा। तो अभी जाके मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी थोड़ा वेट कम करने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ आजकल। अभी तो मेरा डिनर के बाद पानी भी पी के हो गया। अभी जोएल के लिए मैं फ्रूट्स कट कर रही थी, अनार दाना निकाल रही थी फ्रेंड्स। मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, मैं अभी कल सुबह तक कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ 10 बजे तक। तो अभी जोएल को निकाल के देगी ये अनारदाना। तो आप भी हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, वेट तो लूज़ होएगा, खाली आपको माइंड सेट करना है, वेट तो पक्का लूज़ होएगा फ्रेंड्स, ओनली मेहनत करना है और आपको थोड़ी बहुत एक्टिव रहना है, वॉकिंग एक्सरसाइज कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत करना है आपको, और ज़्यादातर आपको खाने पीने में आप ध्यान देंगे ना अपना वेट लूज़ होएगा ही होएगा। भले आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो घर का बना हुआ है हेल्दी खाना पोषण कंट्रोल में ताकि एक्सरसाइज नहीं हो पा रहे आपसे, थोड़ा बहुत अंदर घर के अंदर वो वॉक कर दीजिए। खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए आपको, थोड़ा डिनर जल्दी कर देना, ये सब करने से ना बहुत कुछ आपको अपना बॉडी में फ़र्क दिखेगा। ऐसा नहीं है स्लिम ट्रिम दिखना ही जरूरी नहीं है, हेल्दी रहना जरूरी है, फैट से फिट बनेगा तो भी चलेगा। अभी मैं तो अभी तक स्लिम ट्रिम तो नहीं बनी हूँ, ओनली फैट से फिट हो गई उतना ही हूँ।
तो बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी मुझे छुटकारा मिला है। तो उतना ही करना है आपको हेल्दी रहने के लिए, ऐसा नहीं है आप स्लिम दिखने के लिए आपको वेट लूज करना है, नहीं है, आप हेल्दी रहने के लिए भी अपना वेट लूज करना जरूरी है फ्रेंड्स। आप जरूर आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, अपना वेट लूज जर्नी आप चालू रखिए, अपना वेट लूज होएगा फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और चैनल पे नया आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।